पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो गए। जितनी जल्दी शामिल हुए उससे भी तेजी से उसी पार्टी से बागी हो गए। पप्पू यादव ने पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। इसको लेकर महागठबंधन में अभी तक सियासत जारी है। वहीं चुनाव आयोग ने पप्पू यादव को सिंबल दे दिया है। पप्पू यादव को कैची सिंबल मिला है। इसकी जानकारी उन्होंने सोमवार को एक्स पर दी। उन्होंने लिखा, एक्स पर पप्पू यादव ने लिखा कि तारीख 26 नंबर 6 पूर्णिया की होगी जय। चलेगी कैची, नफरत को काटेंगे, मोहब्बत जीतेंगे, दूर करेंगे पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के विकास की बाधा। पूर्णिया सीट को लेकर महागठबंधन इंडिया में घमासान चल रहा था। वहीं पप्पू यादव ने पिछले दिनों अपनी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। इसके बाद महागठबंधन के तहत ये सीट आरजेडी के कोटे में चली गई। आरजेडी ने यहां से बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया। इस बात से नाराज पप्पू यादव ने इस सीट से गुरुवार को निर्दलीय के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया था, जिस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि पार्टी के बाहर नामांकन दर्ज करने की इजाजत किसी को नहीं है। औरंगाबाद सीट गठबंधन के तहत चली गई। वहां से निखिल कुमार की उम्मीदवारी थी तो उन्होंने तो नामांकन नहीं भरा। इस बयान के बाद पप्पू यादव के खिलाफ कार्रवाई की बात होने लगी, लेकिन पप्पू यादव ने साफ कर दिया कि नामांकन वो वापस नहीं लेंगे। एक बार इसी मामले में पप्पू यादव कैमरे के सामने रोते भी नजर आए। पप्पू यादव ने कैमरे के सामने रोते हुए कहा कि स्थानीय लोग कहते हैं कि उनमें सांसद बनने के तमाम गुण हैं। कांग्रेस ने उन्हें आधिकारिक तौर पर समर्थन देने से मना कर दिया है। हाल ही में अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय करने वाले पप्पू पूर्णिया से पार्टी के टिकट की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन आरजेडी ने न केवल कांग्रेस को सीट देने से इनकार कर दिया बल्कि उसने मौजूदा जेडीयू सांसद संतोष कुमार कुशवाहा के खिलाफ जेडीयू की बागी और पूर्व राज्य मंत्री बीमा भारती को अपने उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुशवाहा ने कांग्रेस के उदय सिंह को 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। अब जब पप्पू यादव मैदान में शामिल हो गए हैं तो पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला होने की पूरी संभावना बन गई है, जिसमें पूर्व में महागठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार बीमा भारती के वोट आधार में कटौती होने की संभावना है। सियासी जानकारों की माने तो ऐसा होने पर एनडीए के उम्मीदवार कुशवाहा को फायदा होगा। मधेपुरा में स्थानांतरित होने से पहले पप्पू ने पूर्णिया से 3 बार 1991, 1996 और 1999 में जीत हासिल की थी, जिसमें से उन्होंने 2 बार जीत हासिल की। गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल करने के बाद पप्पू ने रोते हुए कहा कि पूर्णिया से मुझे टिकट नहीं देकर आरजेडी मेरी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश कर रही है।